अलख निरंजन का निषेध नहीं, अलख निरंजन तो लीला में भोले बाबा तो अलख निरंजन मैया के दरबार में आके कह देंगे नहीं, तो पुराने संतों की योगियों की भाषा है। हमारे भारतवर्ष में जो अति प्राचीन श्री नाथ संप्रदाय है, इस नाथ संप्रदाय का तो अभिवादन का प्रकार ही यही, नाथ जो नाथ पंथी जो संत होते हैं, नाथ संप्रदाय के जो संत होते हैं, उनको अभिवादन का प्रकार क्या है? अलख निरंजन, हाथ जोड़ के क्या कहा जाता है? अलख निरंजन। तो वो आशीर्वाद में क्या बोलते हैं? आदेश आदेश आदेश। क्या बोलते हैं? आदेश आदेश आदेश, ये बोलते हैं उत्तर में आदेश, ये उनका आशीर्वाद है आदेश। भारतवर्ष में कैसी कैसी विलक्षण परंपरा है। इतना बढ़िया, हम अलवर में गए थे तो उनका जो श्री भरथरि जी का नाटक होता है उसको हम देखने गए थे, गिरिराज जी में कथा चल रही थी, बड़ा आग्रह था उन लोगों को देखने गए थे, इतना बढ़िया कीर्तन करते थे वो लोग, अलख निरंजन का क्या कहना। भरथरि जी और गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, सब नाथ लोग मिलकर इतना बढ़िया कीर्तन करते थे, करें कीर्तन धुन हमको याद है, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। भगवान के नाम है अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची है कि नाथ संप्रदाय का मुख्य पीठ गोरखपुर गोरक्ष पीठ के जो वर्तमान आचार्य श्री महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। पूरे जीवन में कोई नेता इतनी बार अयोध्या नहीं गया होगा जितनी बार वे मुख्यमंत्री बनकर अयोध्या जी में गए हैं, रामलला में गए हैं। ये सौभाग्य है इस देश का कि उत्तर प्रदेश में एक संत, एक अत्यंत मर्यादित व्यक्ति, धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न व्यक्ति, आज भी उनकी रहनी संत की है। जहां मुख्यमंत्री आवास है वहां आज भी साधु साई कंबल बिछा कर सोते हैं, वो आज भी ढाई तीन घंटे से अधिक विश्राम नहीं करते हैं। वो हम ऐसी वैसी बात नहीं बता रहे हैं, अत्यंत विश्वस्त बात बता रहे हैं आपको। भगवान ने उन्हें इस प्रकार की सेवा दी है और इतना सब करते हुए भी
अपने पीठ की मटकी सारी मर्यादाओं का निर्वहन भी वो कर लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी ऊंची बात है। सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय हैं। वो भारतीय देसी गाय का दूध दही घी का सेवन करते हैं। भगवान से प्रार्थना है इस देश में जल्दी ऐसा वातावरण निर्मित हो कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।